नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट हैं, रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट में यूएफएम बता रहा है, रिजल्ट यूएफएम मास कॉपी बता रहा है, और रिजल्ट अंडर प्रोसेस में चला गया है। कुछ छात्रों का यहाँ पर फीस नॉट पेड बता रहा है, इससे तमाम प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो आगे करें तो क्या करें, कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आगे आप लोगों को क्या करना है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों नोटिस भी जारी किया गया है इसको लेकर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस नहीं, अभी हाल ही में आया है 15-16 तारीख को, तो वो नोटिस आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आखिर ये नोटिस किसके बारे में है, और जिन भी स्टूडेंट का यूएफएम और ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में आप लोगों को क्या बताया गया है, वो आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बता दें, जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन सेमेस्टर वाइज हुआ है, यानी कि जो अभी हाल ही में सेमेस्टर की परीक्षा दिए हैं, वो स्टूडेंट दोस्तों रिजल्ट जाके चेक कर रहे हैं और बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमारा सेमेस्टर 4 है और अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि केवल यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट का रिजल्ट जारी हुआ है। NEP की तरफ से जो एडमिशन हुए हैं, यानी कि NEP नई शिक्षा पॉलिसी के तहत जो एडमिशन हुआ था, उनका भी जो है रिजल्ट नहीं आया है। अभी उनके होने के बाद ही आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अभी केवल वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट का आया है। तो चलिए उन विद्यार्थियों की बात करते हैं, जो विद्यार्थी का अभी तक जो है यूएफएम या अंडर प्रोसेस लगा है, किस कारण से लगा है, वो भी बताएंगे, और आगे आप लोगों को जो नोटिस जारी किया गया है, वो भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सारी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं दोस्तों, जहाँ से न्यूज सारी देखी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी पेज पर आ गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं यूएफएम मास कॉपी और जितने भी एनुअल एग्जाम के स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट प्रॉब्लम आ रहा है, इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, नोटिस आपके सामने डाउनलोड करते हैं और आप लोगों को यहां पर लाइव दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है, आप लोगों को यहां पर नोटिस दिखाते हैं। तो नोटिस कुछ ही पल खुलने वाला है, वीडियो पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 15 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 15 जुलाई को परीक्षा समिति की तरफ से ये जो बड़ा निर्णय लिया गया है, देख सकते हैं, परीक्षा समिति द्वारा पूर्व के लिए गए निर्णयों के क्रम में महोदय जो कुलपति हैं, उनके अनुसार बीए तृतीय वर्ष के परीक्षा में यूएफएम और जितने भी यूएफएम मास कॉपी में सिद्ध छात्र छात्राओं को दोषी पाया गया है, उन सभी विद्यार्थियों को 20/7/2023 तक ऑनलाइन माध्यम से प्रत्यावेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और यहाँ पर यूएफएम मास कॉपी, यानी कि जिनका यूएफएम बता रहा है या तो यूएफएम मास कॉपी बता रहा है, इन सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की तरफ से जो है फॉर्म भरा जा रहा है। गूगल फॉर्म आप लोग तुरंत भर दें, इसकी परीक्षा भी होगी। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट BA के हैं, वो ज़्यादातर दोस्तों BA के स्टूडेंट हैं जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है मास कॉपी यूएफएम, और जिनका भी अंडर प्रोसेस बता रहा है दोस्तों, उनका भी प्रोसेस में है। यदि वो उनकी कॉपी निर्दोष पाई जाती है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। यदि निर्दोष नहीं पाई जाती है, तो आप लोगों का जो है आपके महाविद्यालय की तरफ से फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। या फिर इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों को तुरंत ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट में ऐसे बता रहा है फीस नॉट पेड और प्रिंट ऐसे करके जो बता रहा है, वो स्टूडेंट अपने महाविद्यालय से संपर्क करेंगे और अपनी फीस
इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना जो है अपने महाविद्यालय के द्वारा फीस सबमिट कराएंगे। उसके बाद आप लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए, या जो निर्णय होगा वो विश्व आपके महाविद्यालय के द्वारा बताया जाएगा। तो आप अपने महाविद्यालय में संपर्क करके जिन भी स्टूडेंट का अंडर प्रोसेस बता रहा है या फीस नॉट पेड बता रहा है, वो स्टूडेंट अपने महाविद्यालय संपर्क करेंगे। और जो स्टूडेंट यूफएम बता रहा है या जिनका यूफएम मास कॉपी बता रहा है, वो जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दें। आपके पास 20 जुलाई तक का समय है, तो जल्द से जल्द ये फॉर्म ज़रूर भर दें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि BSc के स्टूडेंट हैं उनका भी इसी तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।